अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन ठंड बढ़ने से लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। और जो बर्फबारी हुई है उससे पर्यटक खुश हैं, स्थानीय लोग भी खुश हैं, हालांकि दिक्कतें भी शुरू हो गई हैं। जैसे श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद हो गया है जो कि लद्दाख को जोड़ता है। बर्फबारी की बात करें तो पहलगाम में तो 10 इंच बर्फ पड़ी है, इसके अलावा गुलमर्ग में बताया जा रहा है कि 4 इंच तक बर्फ पड़ी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए आपको दिखाते हैं मौसम विभाग का और क्या क्या कहना है, और लोग इस बर्फबारी पे और मौसम के बदले रुख पर क्या कह रहे हैं। जी, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, हमारा फोरकास्ट पहले से ही था 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, और इसी बीच जो है लाइट टू मॉडरेट स्नो हम एक्सपेक्ट करें, खासकर हायर रिचेस में और प्लेन्स में लाइट टू मॉडरेट रेन। और इसी बीच आज काफ़ी जगहों पे बर्फबारी हुई है अर्ली मॉर्निंग ऑफ 23rd, और अभी दिन में थोड़ा सा रुक जाएगा, शाम के टाइम फिर से थोड़ा बारिश और बर्फबारी शुरू होगा, और 24 के आसपास जो है सिस्टम थोड़ा सा पॉज होगा, थोड़ा क्लाउडी अबर आलूद रहेगा। 24 को इतना चांसेस नहीं है, फिर भी एक दो जगहों पर बारिश या बर्फ हो सकता है। 25 को सिस्टम का मेन पीक है, और इसी बीच जो है दोपहर से लेकर शाम तक जो है सिस्टम जो है मॉडरेट रेन स्नो देगा, स्नो जो है खासकर हायर रिचेस में और प्लेन्स में जो है मॉडरेट रेन या स्नो कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है। अगर दर्जे हरारत की जहाँ तक हम बात करें, कल यहाँ पे -3 के आसपास गया था श्रीनगर में, और ये इस सीज़न का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर था, और आज अगर हम बात करें +1.5 था। बाकी जगहों पर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा सुधरा है, गुलमर्ग में -4.5 था। बाकी अगर खतः लद्दाख की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी बहुत जगहों पे माइनस अभी चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और -10 जो है लेह में रिकॉर्ड किया गया था, -4.5 के आसपास करगिल में, और -12 जो है द्रास में। तो आने वाले दिनों में फिलहाल टेम्परेचर में थोड़ा सा सुधार होगा, खासकर मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें 1-2 डिग्री जो है नॉर्मल से ऊपर ही रहेगा। फिर उसके बाद जो है मौसम खुल जाएगा 26 तारीख से ही, और 27 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सर्दी की जो लहर है सुबह शाम जो ठंड होगी वो थोड़ा बढ़ जाएगी कमिंग डेज में, 27 से लेके 2 दिसंबर तक इम्प्रूव 26 तारीख से। जैसे मैंने बताया 26 को थोड़ा सा अबर आलू टाइप कराएगा, फिर भी हल्की धूप खिल जाएगी, 27 से जो है 26 से ही जो है मौसम खुल जाएगा। लेकिन दर्जे हरारत की जहाँ तक बात करें तो सर्दी की जो लहर है वो 27 से। एवलांच का जब भी स्नोफॉल होता है वहाँ पर एवलांच का ख़तरा ज़रूर रहता है, क्योंकि पिछले स्पेल में भी 13 से 15 जो नवंबर में जो स्पेल हुआ था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, खासकर कुछ एक जगहों पे, वहाँ पे एवलांच आए हैं पिछले 1-2 दिनों में, रिपोर्ट किया गया है। तो अभी भी जो है ख़तरा है जहाँ पे हेवी स्नो हुआ है या स्नो एक्युमुलेशन पहले से है। ओवरऑल जो है फिर भी लोगों को थोड़ा सा ये रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरा रहता है एवलांच का और शूटिंग स्टोन्स वगैरह लैंडस्लाइड्स का। तो जहाँ तक एवलांच का जो फोरकास्ट की अगर हम बात करें, वो उसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट है सासे, वो लोग वहाँ से देते हैं, फिर भी एक एडवाइजरी के तौर पे हम बोल देते हैं कि हायर रिचेस में एवलांच का खतरा फिर भी रहता है जहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो। चैलेंजेस तो हमेशा बढ़ जाती है हर एक साल में, क्योंकि लोगों का नीड वगैरह अलग अलग रहता है, या हमें साइट स्पेसिफिक फोरकास्ट देना होता है, तो चैलेंजेस को ही लेके हम आगे चल रहे हैं और कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ही यही है कि लोगों को एक्यूरेट फोरकास्ट मिले जहाँ तक हो सके। देखिए, मेरा नाम बासित जरगर है। देखिए, जो मौसम के बारे में इतना बोलूँगा कि आज विंटर पहले ही आना स्टार्ट हो गया। जो अभी का मौसम था, अभी ऑटम होता था, लोग चहल पहल करते थे गार्डन्स में या कहीं, लेकिन जो मौसम ख़राब हो गया, देखिए हाईवे भी बंद हो गई, मुगल रोड भी बंद हो गया, अब जो महंगाई बढ़ेगी इस चीज़ से, क्योंकि जो सड़क बंद होगी तो यहाँ सामान पहले वक्त पे नहीं आएगा, तो इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को। देखिए, तैयारी तो अभी नहीं, मतलब ये वैसा मौसम था कि अभी मतलब विंटर्स के लिए चीज़ें लाते थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पहले लानी चाहिए होती चाहिए थी, कि जैसे कांगड़ी या कुछ लाने थे विंटर्स के लिए, जो वेजिटेबल्स होते थे ड्राइड वेजिटेबल्स वो लाते थे पहले ही,
लेकिन इस बार ही वो चीज़ मिस हो गई क्योंकि मौसम का इस बार पता नहीं चला, विंटर बहुत जल्दी आ गए, उस चीज़ से तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बार तो विंटर बहुत सख्त होंगे और लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जी मेरा नाम नासिर है। इस साल अभी बर्फबारी तो नहीं हुई है, अभी बर्फबारी हुई है वो मगर अपर रीचेस में हुई है, हिली एरियाज़ में हुई है, अभी श्रीनगर में नहीं हुई है। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि बारिश हो रही है, ये भी ज़रूरत है हमारे लिए क्योंकि बहुत ड्राई से पड़ रहा था इस साल। समर में भी कोई बारिश उतनी नहीं हुई थी जिससे हमारे दरिया डल लेक वाले बहुत पानी कम हो गया था, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने ये बारिश जो हुई है तो इससे हालात मौसम में थोड़ी तब्दीली आएगी, सर्दी भी कम होगी थोड़ी। इस साल तो अगर देखें पिछले साल के अगर इससे कंपेयर करें तो पिछले साल नवंबर में, अर्ली नवंबर में ही बर्फ हुई थी, लेकिन इस साल उतनी नहीं हुई है। मैं समझता हूँ उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए क्योंकि कोविड ने जो हालात किए हैं आज उसमें लोगों को रोज़गार कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो शायद अल्लाह ताला ने भी यही चाहा कि उसने मौसम ठीक रखा तो लोगों को कुछ गुजारा करने में मदद हुई। तो लोगों को अब दिक्कत आएगी क्योंकि वो पूरे लगभग 8-7 महीने बैठे हुए थे, उनके पास कोई ज़रिया नहीं था कि वो विंटर की तैयारी करे, तो मुझे लगता है इस साल उनको बहुत मुश्किल आएंगी विंटर को फेस करने में।